चैप्टर 18 मैक्सिमा मिनिमा का आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है। देखो, इसका मैं आपको मेथड बताऊंगा कि इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा, लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा और हमारे पास एक इंटरवल दी होगी, क्लोज इंटरवल ए टू बी, इस फॉर्म में इंटरवल होगी। जब भी इस फॉर्म में इंटरवल हो ना, ए और बी, इस फॉर्म में क्लोज इंटरवल ए और बी, चाहे एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिखा हो या एब्सोल्यूट लिखा हो या नहीं लिखा हो, तो समझ लेना कि इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी एफ डैश एक्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा, हम डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करेंगे, पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे ही हमने इसको जीरो पुट किया, यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकलेंगी, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू निकल गई सी डी, कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या करना है हमने, अब देखो एक्स की कितनी वैल्यू है, एक दो तीन और चार, ये चारों की चारों वैल्यू हमने गिवन फंक्शन में डालनी है, मतलब एफ ऑफ एक्स में डालनी है। तो जैसे मान लो हमारे पास वाई दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, तो हमने एक एक करके वैल्यू निकालते जानी है। सबसे पहले हमने एफ ऑफ सी निकालना है, फिर हमने एफ ऑफ डी निकालना है, फिर हमने ये जो दो पॉइंट दिए ना ए और बी, इससे निकालना है, फिर हमने एफ ऑफ ए निकालना है, फिर हमने एफ ऑफ बी निकालना है। ये हमने चारों वैल्यूज निकाली, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे छोटा होगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम। मान लो सॉल्व करके ये इसका आंसर सबसे बड़ा आ गया, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मान लो इसका सबसे छोटा हो गया, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये कंसेप्ट होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का। एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और इंटरवल दिया हमारे पास क्लोज इंटरवल माइनस 2 से लेकर 4.5 तक। अब देखो हमने क्या करना है, मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का, तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, 4x की डिफ्रेंशिएशन 4, एक्स स्क्वायर की 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा 4 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, माइनस एक्स 4 को इस तरफ ले जाते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, देन एक्स इक्वल टू 4। अब देखो हमारे पास x की कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 और ये 3, ये तीनों वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स में रिप्लेस करनी है, तो जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और सबसे छोटा आंसर एब्सोल्यूट मिनिमम। तो देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और इंटरवल थी माइनस 2 से लेकर 4.5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इसमें पॉइंट रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले 4 है ना, तो हम इसमें 4 रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 16 बाय 2 8, और 16 में से 8 गए 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, माइनस 2,
तो हम गिवन फंक्शन में माइनस टू डालेंगे यहाँ पर, फोर इंटू माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा माइनस एट माइनस फोर बाई टू, तो ये आ जाएगा माइनस एट, ये हो जाएगा माइनस टू, तो ये आ गया माइनस टेन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम ये वाला पॉइंट रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ 4.5, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4.5, यहाँ पे डालेंगे 4.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब 4 को अगर हम 4.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 4 का ये हो जाएगा 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 18 आ जाएगा। 4.5 का होल स्क्वायर होता है 4.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4.5 4.5 20 5 2 carry 20 20 40 2 4 carry 16 2025, तो ये हो जाएगा 20.25 अपॉन 2। तो 20 को अगर हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10.125, ठीक है। तो 18 में से 10.25 निकाले तो कितना आ जाता है, 7.875, ये आ गया यहाँ तक। अब हमने देखना सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, ये 5 है, सबसे बड़ा आंसर है 8 और सबसे छोटा आंसर है -10, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो क्या कहेंगे, 8 इज़ दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे आई थी, एट x इक्वल टू 4। -10 इज़ दी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, इंटरवल दिया हमारे पास -3 to 1। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, इस फंक्शन की हम डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, इसकी पावर की होगी 2 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 1 की हो जाएगी 1 और 3 की 0, तो हमारी डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स की आ जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 इस तरफ चला जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1। अब हमारे पास देखो एक पॉइंट, दो पॉइंट और ये तो सेम ही है ना, तो हमारे पास कितने आ गए, एक और दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हम एफ ऑफ एक्स में डालते हैं। तो सबसे पहले हम 1 डालते हैं, देखो गिवन फंक्शन में डालना है, ये जो गिवन फंक्शन है ना यहाँ पे एक्स की जगह 1 डालेंगे, तो क्या आएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 0 + 3, हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये -3 जो है ना ये हम गिवन फंक्शन में डालेंगे, तो ये होगा -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16 16 + 3 19, तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, 19, तो ये होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और 3 सबसे छोटा है तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे, 19 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और 3 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये आ गया इस पार्ट का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x^4 -8x³ + 12x² - 48x + 25
और क्लोज इंटरवल दिया जीरो से लेकर थ्री तक। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अब एक्स फोर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, फोर एक्स क्यूब, फोर से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ट्वेल्व एक्स क्यूब। इसको इसकी हो जाएगी थ्री एक्स स्क्वायर, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर। फिर हम इसकी करेंगे एक्स स्क्वायर की टू एक्स, तो ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर एक्स। फिर फोर्टी एट की एक्स की फोर्टी एट हो जाएगा और ट्वेंटी फाइव की ज़ीरो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं तो ये आ जाएगा ट्वेल्व एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस फोर्टी एट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन है ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस टू, और इन दोनों में भी ट्वेंटी फोर कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस टू। तो यहाँ से x माइनस टू कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आएगा x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो और ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू टू और ट्वेल्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर, एक्स इक्वल टू टू और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू। अब देखो अगर मैं ये स्क्वायर इधर ले जाऊंगा तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी पॉसिबल नहीं होता, तो हम इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो ऐसा बनेगा ना एक्स इक्वल टू रूट माइनस टू, तो रूट माइनस टू पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब देखो एक्स की एक वैल्यू ये है और दो वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, ये भी दिया था ये भी दिया था, ये तीनों वैल्यूज़ हम एफ ऑफ एक्स में डालेंगे, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो मैक्सिमम और जो सबसे छोटा होगा मिनिमम। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, थ्री एक्स फोर माइनस एट एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी एट एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव, और इंटरवल दिया ज़ीरो टू थ्री। अब हमने क्या करना है, एक ही करके इसमें पॉइंट पुट करते जाना है। तो सबसे पहले टू रिप्लेस करेंगे, थ्री टू की पावर फोर माइनस एट टू का क्यूब प्लस ट्वेल्व टू टू का स्क्वायर माइनस फोर्टी एट इंटू टू प्लस ट्वेंटी फाइव। टू की पावर फोर कितना होता है, सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री ज़ा फोर्टी एट, टू का क्यूब एट, एट एट ज़ा सिक्सटी फोर, फोर ट्वेल्व फोर ज़ा फोर्टी एट, फोर्टी एट इंटू टू नाइन्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव। तो अब इनको प्लस कर लो, फोर्टी एट प्लस फोर्टी एट कितना हो जाएगा नाइन्टी सिक्स, नाइन्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव वन ज़ीरो वन, वन टू वन। अब इन दोनों को प्लस कर लो, नाइन्टी सिक्स और ये कितना हो जाएगा वन सिक्सटी, वन सिक्सटी। अब ये कितने बचेंगे थर्टी नाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट पुट करो, नेक्स्ट पॉइंट है ज़ीरो, ये हमारा आ गया एफ ऑफ टू। अब हमने ज़ीरो यहाँ रिप्लेस करना है तो यहाँ डालेंगे ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, सिर्फ ये बचेगा ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस ट्वेंटी फाइव। अब नेक्स्ट पॉइंट थ्री डालेंगे एफ ऑफ थ्री, तो हमने एफ ऑफ थ्री कहाँ रिप्लेस करना है, इसमें थ्री, थ्री की पावर फोर एट, थ्री का क्यूब ट्वेल्व, थ्री का स्क्वायर फोर्टी एट इंटू थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव। अब देखो थ्री रेस्ट पर फोर कितना होता है, तीन को चार बार मल्टीप्लाई करना है, थ्री एटी वन होता है, एटी वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा टू फोर्टी थ्री। ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन इंटू एट कितना होता है, एट सेवन ज़ा फिफ्टी सिक्स, एट टू ज़ा सिक्सटीन, टू वन सिक्स। नाइन, ट्वेल्व नाइन ज़ा कितना होता है वन ज़ीरो एट, फोर्टी एट इंटू थ्री
8 threes are 24, 2 carry, 4 threes are 12, 144, और ये आ गया 25. अब करो प्लस 243 प्लस 108 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 251 में 25 ऐड करेंगे 376, और ये दोनों प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 360, तो ये आ गया 16. तो सबसे बड़ा आंसर देखो कौन सा है, 25 एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और -39 एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. 25 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और -39 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम, -39 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. ये आ गया इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू रूट एक्स माइनस वन और इंटरवल दिया 1 to 9. तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. एफ ऑफ एक्स दिया हमारे पास एक्स माइनस टू इंटू रूट एक्स माइनस वन. अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, अब यहाँ यू इंटू वी लगेगा, एक्स माइनस टू बाहर आ जाएगा. अब हमें करनी है इसकी, तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स होती है 1/2 root x, तो इसकी होगी 1/2, इसकी करेंगे आएगी रूट एक्स माइनस वन. ठीक है, फिर रूट एक्स माइनस वन की डिफरेंशिएशन होती है एक्स की 1 0 और इसकी 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस, अब ये बाहर आ जाएगा, अब इसकी हो जाएगी एक्स की 1 और 2 की 0, तो इंटू 1. ठीक है, तो हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा एक्स माइनस टू अपॉन टू रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन. अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एफ डैश एक्स हो जाएगा एलसीएम लेके टू रूट एक्स माइनस वन, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन प्लस यहाँ टू, और देखो ये रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन. तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस टू, तो ये हो जाएगा देखो एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स, ये टू यहाँ भी आना था, और ये हो जाएगा माइनस थ्री. तो हमारा एफ डैश एक्स आ गया. ये नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो आ जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन टू रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो. ये पूरी टर्म इधर चले जाएगी, तो आएगा थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, थ्री एक्स इक्वल टू थ्री, ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आ गया 1. अब हमारे पास देखो, मैं यहाँ पे ना पहले गिवन फंक्शन लिखता हूँ. गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था हमारे पास ये, और इंटरवल दी हुई थी 1 to 9. ठीक है, हमने क्या करना है, अब हमारे पास देखो पॉइंट कितने हैं, 1 2, और ये तो सेम ही है ना, तो हमारे पास कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, हम दोनों पॉइंट इसमें रिप्लेस करेंगे. तो सबसे पहले 1 डालते हैं, 1 - 2 1 - 1, तो ये हो जाएगा -1 × 0, तो 0 आ जाएगा, रूट 0 0 ही होता है. नेक्स्ट पॉइंट है 9, तो ये हो जाएगा 9 - 2 9 - 1, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8. 8 को देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 × 2, तो 4 का रूट होता है 2 और 2 का रूट 2, तो ये आ जाएगा 14 √2. तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा. तो 14 √2 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट किस पॉइंट पे, 9 पे, और 0 इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किस पे, एट एक्स इक्वल टू
वन पे, ये आ गया इसका भी आंसर। इस क्वेश्चन में ना मैंने गलती कर दी है, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे x माइनस टू था तो मैंने माइनस वन की जगह माइनस टू था ना, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, टू वन लिख दिया, लेकिन टू था, x माइनस टू था। तो यहाँ पर x माइनस टू आएगा, टू हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये ठीक कर लेना। यहाँ भी फोर, ये फोर हो जाएगा, ये फोर, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फोर बाय थ्री, ठीक है। अब देखो मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी ना, जैसे मैंने कितने पॉइंट है, एक दो और तीन, ये तीन पॉइंट है ना, तो ये तीनों पॉइंट हम वन और नाइन तो निकाल दिया मैंने, अब फोर बाई थ्री भी हम डाल लेते हैं, एफ ओ फोर बाई थ्री, तो ठीक कर लेना। जैसे यहाँ वन लिखा है, नाइन लिखा है, तो यहाँ एफ ओ फोर बाई थ्री निकाल देना। तो यहाँ डालते हैं फोर बाई थ्री माइनस टू रूट फोर बाई थ्री माइनस वन, तो ये हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स में से फोर के माइनस टू बाई थ्री, ये हो जाएगा फोर थ्री, फोर में से थ्री के वन बाई थ्री, वन बाई थ्री का रूट वन बाई रूट थ्री। अब मैं इस रूट थ्री को रैशनलाइज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा टू रूट थ्री, ये कितना हो गया थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो हमारी सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ ठीक कर लेना, तो ये आगी ना माइनस टू रूट थ्री, तो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ ठीक करना, माइनस टू बाय रूट थ्री बाय नाइन इज़ दी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू फोर बाय थ्री, ये इसको ठीक। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फंक्शन दिया है टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस वन ज़ीरो सेवन, पहली इंटरवल दी है वन बाय थ्री, और सेकेंड पार्ट है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, और इंटरवल है हमारे पास माइनस थ्री से माइनस वन। तो इसमें दो पार्ट हैं, पहले तो एक हमें इस इंटरवल्स के लिए निकालेंगे और फिर इस इंटरवल के लिए। अब एक चीज़ देख रहे हो, इसमें लिखा नहीं है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या एब्सोल्यूट मिनिमम, तो याद रखना जब भी इस फॉर्म में क्लोज इंटरवल दी हो ना, तो उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वाला ही कंसेप्ट लगाना होता है। तो देखो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया है हमारे पास टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस वन ज़ीरो सेवन, और फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, और इंटरवल है हमारे पास वन से थ्री तक, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब की क्या होगी थ्री एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर, ट्वेंटी फोर एक्स की ट्वेंटी फोर और वन ज़ीरो सेवन की ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को हम ज़ीरो पुट करेंगे, तो आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू ज़ीरो, सिक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फोर, ये सिक्स फोर से कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर, तो एक्स हो जाएगा प्लस माइनस टू, तो x की दो वैल्यू मिल गई, एक टू और एक माइनस टू। अब देखो क्या करना है, ये टू जो है ना, ये इसके बीच में आता है, लेकिन माइनस टू इसके बीच में नहीं आता, तो हम इस केस में सिर्फ टू लेंगे, और दूसरे केस में माइनस टू जो है ना वो इस इंटरवल के बीच में आएगा, तो इसलिए हम टू इस केस में और माइनस टू इस केस में लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने पॉइंट है, टू वन थ्री, ये तीनों पॉइंट हम एफ ऑफ एक्स में डालेंगे। तो यहाँ पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस वन ज़ीरो सेवन, और फर्स्ट पार्ट में इंटरवल है वन और थ्री। अब वन और थ्री के बीच में टू आता है, लेकिन माइनस टू नहीं आता, इसलिए हम सिर्फ टू वन और थ्री लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ टू निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टू, टू इंटू टू का क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर इंटू टू प्लस वन ज़ीरो सेवन, तो ये हो जाएगा एट, ए टू ज़ा सिक्सटीन माइनस फोर्टी एट प्लस वन ज़ीरो सेवन, तो सिक्सटीन प्लस वन ज़ीरो सेवन हो जाएगा वन ट्वेंटी थ्री, वन ट्वेंटी थ्री में से फोर्टी एट गए, तो कितने बचते हैं, ये बचेंगे सेवेंटी फाइव, है ना।
क्योंकि 8 में से 3 के 5, और यहाँ पे नहीं, 13 में से 8 के 5, 11 में से 4 के 7, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम 1 रिप्लेस करते हैं। अब देखो x की जगह 1 डालना है, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107, तो ये हो जाएगा 2, 2 में से 24 के माइनस 22, माइनस 22 में से 107 के, तो ये बचेगा मेरे ख्याल से 7 इधर से गए, 85 है ना, हाँ 85, 107 में से 22 जाएंगे तो हाँ 85, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 3, अब हम 3 यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 का क्यूब, यहाँ डालना है 24 इंटू 3 प्लस 107, तो ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 2 54, 24 इंटू 3 48, 52, 72 प्लस 107, 54 प्लस 107 हो जाएंगे 162, नहीं 161, 161 में से 72 के बचेगा 61, 9, 9 और 11, 91, तो 161 में से 72 के 89 आता है, 91 नहीं आता। तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा हुआ, एक है 75 और एक है 85 और एक है 89, तो सबसे बड़ा आंसर हुआ 89, 89 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब सेकंड पार्ट देखो क्या था, सेकंड पार्ट में हमारे पास इंटरवल दी हुई थी, क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन, मतलब सेम फंक्शन है और इंटरवल दिया माइनस थ्री से माइनस वन, तो माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, माइनस टू। अब हम क्या करेंगे, माइनस टू, माइनस थ्री और माइनस वन, ये तीनों वैल्यू हम इस गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दी है 2x³ माइनस 24x प्लस 107, और इंटरवल है सेकंड पार्ट की माइनस 3 टू माइनस 1, ठीक है, और हमारे पास x की वैल्यू है माइनस 2। अब हमने सबसे पहले माइनस 2 निकालते हैं, तो ये होगा, यहाँ डालनी है x की जगह माइनस 2 डालनी है, तो ये आएगा माइनस 2 का क्यूब माइनस 24 इंटू माइनस 2 प्लस 107, तो ये हो जाएगा माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, 24 इंटू 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 2 48 प्लस 107, तो ये कितना हो जाएगा 48 में से 16 गए 32, 32 में 107 ऐड करें तो ये आता है 139, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे माइनस 3, पहले माइनस 3 और माइनस 1 यहाँ डालना है, ठीक है, गिवन फंक्शन में f ऑफ माइनस 3, जो गिवन फंक्शन है ना f ऑफ x, उसमें डालना है माइनस 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू माइनस 3 प्लस 107, तो ये आ जाएगा माइनस 27 इंटू 2 माइनस 54, 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 इंटू 3 होगा 72 प्लस 107, तो ये हो जाएगा, ये कितने बचेंगे 18, 107 प्लस 18 हो जाएगा 125। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है माइनस 1, ये गिवन फंक्शन में डालना है, ये भी 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 24 इंटू माइनस 1 प्लस 107, माइनस 2 प्लस 24 प्लस 107, तो ये 22, 129, ये आ गया 120। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एक निकली 139, एक निकली 125 और नेक्स्ट निकली 129, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई 139 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गया इस पार्ट का भी
क्वेश्चन का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस केयर एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। अब देखो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम इस फंक्शन को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसको करेंगे एफ ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, कॉस केयर एक्स की पहले पावर की करनी है तो पावर की होगी टू कॉस एक्स, फिर हम करेंगे कॉस एक्स की, कॉस एक्स की माइनस पहले लिख देते हैं माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स की कॉस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा जीरो, तो ये आएगा माइनस टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये इंटू है प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे इंटरवल दिया जीरो से पाई तक, जीरो से पाई का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक, ये जीरो होता है ये पाई होता है, तो मतलब पहले दो क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू दी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉस एक्स कॉमन है ना, तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आ जाएगा या तो कॉस एक्स जीरो होगा और माइनस टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा। अब देखो कॉस एक्स जीरो कब होता है, कॉस एक्स जीरो होता है 90 पे, तो एक्स हो जाएगा पाई बाय टू, ठीक है। अब यहाँ से वन को उधर ले जाते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल, साइन एक्स इक्वल टू वन बाय टू। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, अब देखो साइन एक्स हमारे पास इंटरवल दी है जीरो से लेकर पाई तक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट तक, ठीक है। तो साइन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में होता है और एक तो सेकंड में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए कैसे वैल्यू निकालेंगे, वन बाय टू कब होता है साइन, साइन वन बाय टू होता है 30 पे, पाई बाय सिक्स पे, ठीक है। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, क्या होता है पाई माइनस थीटा, तो आएगा साइन एक्स इक्वल टू, साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, थीटा क्या हमारा पाई बाय सिक्स। तो यहाँ से एक तो एक्स आ जाएगा पाई बाय टू आया था, ये पाई बाय टू, एक एक्स आ जाएगा पाई बाय सिक्स और ये साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे और एक एक्स आ जाएगा। देखो मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, ये सिक्स है ना, सिक्स पाई में से पाई के, तो आ जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स। अब देखो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, एक दो तीन, और फंक्शन में दो वैल्यूज दी हुई थी पहले से, जीरो से पाई तक दिया मैंने, देखो चार पाँच, ये पांचों की पांचों वैल्यू हम एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। तो देखो एफ, पहले तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, गिवन फंक्शन दिया हुआ है कॉस केयर एक्स प्लस साइन एक्स और इंटरवल दिया हमारे पास जीरो टू पाई, तो कितने पॉइंट है, एक दो तीन चार पाँच, ये पांचों के पांचों इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आएगा कॉस केयर जीरो प्लस साइन केयर जीरो, साइन जीरो, कॉस जीरो वन होता है और साइन जीरो जीरो होता है, तो वन प्लस जीरो हो गया वन। नेक्स्ट पाई डालते हैं, तो ये आएगा कॉस केयर पाई प्लस साइन पाई, अब कॉस पाई होता है कॉस 180, कॉस 180 होता है माइनस वन और इसका स्केयर है, साइन 180 होता है जीरो, तो ये भी आ जाएगा वन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पाई बाय टू डालो इसमें, कॉस केयर पाई बाय टू प्लस साइन पाई बाय टू, कॉस 90 होता है जीरो और साइन 90 होता है वन, तो ये आ गया वन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब दो रह गए पॉइंट, पाई बाय सिक्स और फाइव पाई बाय सिक्स, एफ ऑफ पाई बाय सिक्स डालो इसमें, कॉस केयर पाई बाय सिक्स प्लस साइन पाई बाय सिक्स, अब कॉस 30
कॉस 30 होता है रूट 3/2 और साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2, तो एलसीएम लो 4 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 3 + 2 तो हो गया 5/4। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट कौन सा है, लास्ट पॉइंट है 5π/6, एफ ऑफ 5π/6, तो ये आ जाएगा, इसमें रिप्लेस करो कॉस स्क्वायर 5π/6 प्लस साइन स्क्वायर 5π/6, साइन स्क्वायर नहीं साइन 5π/6। अब देखो कॉस 5π/6 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पाई बाय सिक्स होता है 30, कॉस 30 इंटू 5 × 30 150, 5π/6 होता है 150, तो 150 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 180 - 30, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है -√3/2, तो ये आ जाएगा -√3/2 का स्क्वायर पहले का। नेक्स्ट है साइन 5π/6, 5π/6 होता है 150, तो मतलब साइन 180 - 30, तो ये हो जाएगा -sin 30, नहीं प्लस ही होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 5π/4। अब देखो एक आंसर आया 1 1 1, फिर आया 5π/4 5 अपॉन 4, तो सबसे बड़ा आंसर है 5 अपॉन 4 और सबसे छोटा आंसर है 5, तो हम यहाँ लिखते हैं 5 1 इज़ द एब्सल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये छोटा है ना, एब्सल्यूट मिनिमम वैल्यू, लेकिन किस किस पॉइंट में ये 1 आया, देखो ये 1 आया, एक तो आया 0 पे, पाई पे और π/2 पे, तो किस पॉइंट पे आया, एट एक्स इक्वल टू 0 पाई और π/2, और 5π/4 जो है, 5π/4 इज द एब्सल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन किस पे वो भी लिख दो, एट एक आया हमारा π/6 पे, देखो एक आया π/6 पे 5π/4 और एक आया 5π/6 में 5π/4, एट π/6 और 5π/6, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 12x^4/3 -6x^1/3 और इंटरवल दिया है -1 to 1, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, अब 12 बाहर आ जाएगा, एक्स 4/3 की होगी 4/3 एक्स 4/3 -1 तो हो जाएगा 1/3 -6, अब देखो एक्स 1/3 की क्या होगी, 1/3 एक्स 1/3 -1 तो हो जाएगा -2/3, ये 3 इससे कटेगा तो ये बचेगा 4, ये आ गया 16x^1/3, ये 3 इससे कटा, और ये देखो ये नेगेटिव है ना, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स 2/3 16 एक्स 1/3 डॉट एक्स 2/3 -2, ठीक है, तो ये बनेगा, ये आ जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू 16, देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 1/3 + 2/3, 1/3 + 2/3 कितना हो जाएगा 3, 1 + 2 3/3 1 हो जाएगा, ये मतलब x की पावर 1 बचेगी, वो लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, ठीक है यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, यह आ जाएगा पुट f डैश x इक्वल टू 0,
तो ये बनेगा 16x माइनस टू एक्स टू बाई थ्री इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो हम ना इसको इधर नहीं फेंकते, पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स टू बाई थ्री, ये मैं रैशनलाइज किया एक्स टू बाई थ्री इंटू एक्स टू बाई थ्री। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये दोनों हम इधर फेंक देंगे, ये वन था नहीं टू था, ये दोनों इधर चले जाएंगे, तो आएगा 16x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो और x टू बाई थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ये टू इधर आ जाएगा और 16 इसके नीचे, ये टू बाई थ्री इधर चला जाएगा, वो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो x आ जाएगा 1 बाई एट और x आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहले से कितनी वैल्यूज़ दी हुई थी, एक दो, तो वैल्यू हमारे यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1 बाई एट और एक आ गई ज़ीरो, और दो पहले की हैं, एक दो तीन चार, ये चारों वैल्यू हम f ऑफ x में पुट करेंगे। तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू लिख लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू 12x 4 बाई थ्री माइनस 6x 1 बाई थ्री और इंटरवल दिया माइनस 1 टू 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पहले 1 बाई एट फिर 0 फिर माइनस 1 1, चलो पहले 0 ही ले लेते हैं। देखो यहाँ 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 डालेंगे तो ये भी 0, तो आ गया 0। नेक्स्ट 1 लेते हैं, 1 की पावर 1 लेंगे तो 1 ही आएगा, 12 बचेगा, 1 की पावर 3 होगी तो वो भी 1 आएगा, 16 माइनस 4। अब नेक्स्ट माइनस 1 यहाँ डालते हैं, 12 माइनस 1 की पावर 4 बाई थ्री माइनस 16 माइनस 1 की पावर, इसको ठीक कर लेना, ये 16 नहीं है 6 है, 6 तो ये 6 आ जाएगा, 12 में से 6 के 6। अब देखो ये पावर कितनी है, इवन है, 4 इवन होता है, तो माइनस 1 की पावर 4 करें तो प्लस 1 आएगा, और देखो ये 1 ऑड है, माइनस 1 की पावर 1 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो हो गया 12 प्लस 6 18, और लास्ट पॉइंट कौन सा था, 1 बाई एट, यहाँ 1 बाई एट डालना है, एफ ऑफ 1 बाई एट, तो आएगा 12 1 बाई एट की पावर 4 बाई थ्री माइनस 6 1 बाई एट की पावर 1 बाई थ्री, तो ये हो जाएगा 1 बाई टू का होल क्यूब, 1 बाई एट को 1 बाई टू का क्यूब लिख सकते हैं ना, इसी तरह यहाँ भी 1 बाई एट को 1 बाई टू का क्यूब, योरे कैंसिल योरे कैंसिल। अब देखो 1 बाई टू की पावर 4 है, 1 बाई टू को 4 बार ही मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 16 और यहाँ बचेगा 1 बाई टू, तो इसको 4 के टेबल से काटते हैं, 3 4, तो बचा 3 बाय 4 माइनस 1 बाई टू, तो यहाँ आएगा 4 और 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 1 बाई 4। अब देखो एक आंसर आया 0, एक 6 और एक 18 और एक 1 बाई 4, तो सबसे छोटा आंसर कौन सा है, सबसे छोटा तो मेरे को 0 लग रहा है और सबसे बड़ा 18, तो हम कहेंगे 18 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एट कौन से पॉइंट पे आया, माइनस 1 पे, और 0 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एट किस पे आया, 0 पे आया, तो ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पे फिर से ठीक कर लेना, फिर से मेरे से गलती हो गई, मैंने ये 6 नहीं लिखा है, 6 6, तो यहाँ बचेगा 3 बाय 4 माइनस 3, 4 थ्री ज़ा 12, 12 में से 3 के माइनस 9 बाय 4, तो माइनस 9 बाय 4 सबसे छोटा आंसर होगा, माइनस 9 बाय 4 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 बाय 8, तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 और इंटरवल दिए 1 टू 5। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं,
एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा सिक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की टू एक्स, तो ये हो जाएगा थर्टी एक्स, और थर्टी सिक्स एक्स की थर्टी सिक्स, और वन की ज़ीरो. अब नेक्स्ट स्टेप हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स प्लस थर्टी सिक्स इक्वल टू ज़ीरो. सिक्स कॉमन निकाल के उस साइड फेंक देंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये मैंने सिक्स कॉमन निकाला. अब ये सिक्स हम इधर फेंक देंगे, अब हम क्या करते हैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, सिक्स एक्स स्क्वायर, तो कौन से दो नंबर हैं, तीन और दो, तो इन दोनों में एक्स कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस थ्री, इन दोनों में टू कॉमन, एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, एक्स टू और एक्स इक्वल टू थ्री. अब देखो हमारे पास गिवन फंक्शन था ना, वो हम यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, अब देखो एक पॉइंट दो पॉइंट तीन चार, ये चारों पॉइंट हम यहाँ डालते हैं, तो सबसे पहले वन यहाँ पे डालो, वन का क्यू वन, तो टू बचेगा, वन का स्क्वायर वन, फिफ्टीन इंटू वन फिफ्टीन, थर्टी सिक्स इंटू वन थर्टी सिक्स प्लस वन, थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी सेवन प्लस टू थर्टी नाइन, थर्टी नाइन में से फिफ्टीन गए, थर्टी नाइन में से फिफ्टीन गए तो बचते हैं ट्वेंटी फोर. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट टू डालते हैं, यहाँ डालना है टू का क्यूब एट, ए टू ज़ा सिक्सटीन, फोर टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू फिफ्टीन सिक्सटी, थर्टी सिक्स इंटू टू सेवेंटी टू प्लस वन, इन दोनों में से बचेंगे ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट प्लस वन ट्वेंटी नाइन. नेक्स्ट पॉइंट है थ्री, थ्री यहाँ डालो, थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन इंटू टू फिफ्टी फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन इंटू फिफ्टीन वन थर्टी फाइव, थर्टी सिक्स इंटू थ्री वन ज़ीरो एट प्लस वन, वन थर्टी फाइव में से वन ज़ीरो एट गए तो बचेंगे माइनस ट्वेंटी सेवन, फिफ्टी फोर में से ट्वेंटी सेवन प्लस वन ये आ जाएगा ट्वेंटी एट. अब लास्ट पॉइंट है फाइव, फाइव का क्यूब वन ट्वेंटी फाइव, वन ट्वेंटी फाइव इंटू टू टू फिफ्टी, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन, ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन होता है, ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टीन कितना होता है टू फिफ्टी, टू फिफ्टी और वन ट्वेंटी फाइव, टू फिफ्टी और वन ट्वेंटी फाइव हो गया थ्री सेवेंटी फाइव, थर्टी सिक्स इंटू फाइव वन एट्टी प्लस वन, अब इनको प्लस कर लो, ये प्लस करके आ जाएगा, ये आ जाएगा फिफ्टी सिक्स, तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है फिफ्टी सिक्स, और सबसे छोटा आंसर ट्वेंटी फोर. फिफ्टी सिक्स इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ट्वेंटी फोर इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये आ गया इसका आंसर.